वेलकम टू जीके लैंड। आज हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए आरक्षण के बारे में जानेंगे, जैसे कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में एससी का, एसटी का और महिलाओं की संख्या वगैरह कितनी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो आरक्षण है, विधानसभा में कुल जमा सीटें हैं 230, एससी की 35 डिसाइडेड हैं और एसटी की 47 हैं। ये इनको अगर हम अलग कर देते हैं तो 148 जो हैं वो अन्य हैं। लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, 4 एससी की और 6 हैं जो वो एसटी की हैं। और अगर इस तरह से अलग किया जावे तो अन्य बचती हैं 19। अब आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा में 11 सदस्य हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन आरक्षण नहीं होता है राज्यसभा में, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा जी, तो लोकसभा में महिलाएं कितनी हैं? तो जो मध्य प्रदेश से 4 महिलाएं लोकसभा में गई हुई हैं, सीधी से हैं रीति पाठक, भोपाल से हैं प्रज्ञा सिंह, भिंड से संध्या रे और शहडोल से हेमाद्री सिंह। अब देखिए, भिंड से जो संध्या रे गई हैं वो एससी की हैं, शहडोल से जो हेमाद्री सिंह गई हैं वो एसटी की हैं। अब देखिए, राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश से मात्र एक महिला हैं, बीजेपी की संपतिया उइके, जो कि मंडला से हैं। चलिए अब थोड़ी सी डिटेलिंग जानते हैं। लोकसभा में जो एससी की 4 सीटें हैं तो वो हैं एमपी में एससी की भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, 4 सीटें, और एसटी की जो हैं वो हैं रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल, ये 6 संसदीय क्षेत्र हैं लोकसभा के लिए। अब देखिए, एक सवाल और आया हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण, कि महिलाओं की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। आज की डेट में 15वीं विधानसभा है शिवराज सिंह चौहान जी की, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिलाएं 19 हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और जो भारत में कितना आरक्षण है उसको भी आप देख सकते हैं, एक और वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए। थैंक यू आपका।